नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। स्वच्छ और अधिक लागत प्रभावी ऊर्जा समाधानों के लिए प्रयासरत दुनिया में एक अभूतपूर्व नवाचार सामने आया है, जो हमारे वाहनों को बिजली देने के तरीके को बदलने का वादा करता है। MD15 से नया तेल जो डीजल की जगह लेने के लिए तैयार है, कम लागत और प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी सहित कई लाभ प्रदान करता है। सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन बांटने और उसके निस्तारण के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। यह जानकारी सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सरकार ने कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि तैयार मसौदे पर सभी हितधारकों और आम जनता की राय आनी है। कोर्ट ने सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना पर केंद्र सरकार से कहा कि वह नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों की इस बारे में लागू योजनाओं को भी देखे और उसके बाद एक समग्र नीति बनाए। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसे लेकर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इस पर केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीप फेक वीडियो अधिक खतरनाक है। IT नियमों के तहत प्लेटफॉर्म को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप ओमन ने सोमवार को कहा कि हालांकि यह एक लंबी यात्रा है, उन्होंने यहां ISA कोकिंग कोल समिट को संबोधित करते हुए कहा, निकट भविष्य में भारत सबसे बड़ा कोकिंग कोल निर्यात गंतव्य बना रहेगा। इसका एक कारण घरेलू इस्पात मांग में उल्लेखनीय वृद्धि और दूसरा कारण चीन का अपने संसाधनों पर अधिक निर्भर होना है। उन्होंने कहा कि भारत मेट कोयले का सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें PCI शामिल है। वार्षिक आयात 70 से 75 मिलियन टन के बीच होता है। वायु प्रदूषण बच्चों के लिए लगातार घातक और जानलेवा बनता जा रहा है। 2012 से अब तक राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और महानगरों के आसपास कई इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नवजात से लेकर 14 वर्ष की आयु के अनुपात में सभी आयु समूहों की तुलना में बचपन में कैंसर का खतरा 0.7% से 3.7% अधिक है। अध्ययन में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों में कैंसर होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सामान्य तरीके से स्पर्श करने को पेनिट्रेटिव यौन अपराध करने के लिए किसी नाबालिग के शरीर से छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अशॉल्ट एक अलग तरह का अपराध है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को उसके शिक्षक भाई से ट्यूशन पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची के निजी अंग को छूने पर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव यौन अपराध को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखने से इनकार कर दिया। राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह इन दिनों अपने बेतुके बयान को लेकर काफी चर्चा बटोर रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। सासाराम जिले के डेहरी सीट से पहली बार MLA बने फतेह बहादुर ने अब भगवान राम को लेकर बड़ी बात कह दी है। फतेह बहादुर ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बता दिया, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष को सदन में सरकार को घेरने का मौका दे दिया। अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब जल्द ही पवित्र गुफा तक वाहन पहुंच सकेंगे। इसके लिए गुफा तक जाने वाले पर्वतीय मार्ग का चौड़ीकरण किया गया है। भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को अमरनाथ गुफा तक गाड़ियों का काफिला पहुंचा दिया। यह पहला मौका है जब अमरनाथ गुफा तक गाड़ियां पहुंच सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवित्र अमरनाथ गुफा तक सड़क को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया गया है। सहकार्यशील स्थान प्रदाता विवर्क ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। मौजूदा आर्थिक स्थिति के बीच कंपनी के उतार चढ़ाव की स्थिति में होने की सूचना मिलने के बाद यह बात सामने आई है। कंपनी ने इस साल अगस्त में अपनी दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट के दौरान एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें आने वाले वर्ष में खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त खर्च नहीं होने का संकेत दिया था। टेक दिग्गजों सहित विभिन्न कंपनियां दूर से काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए विवर्क का उपयोग कर रही थी। महज 3 दिन के अंदर एक बार फिर से तेज भूकंप के झटके से बिहार के साथ साथ दिल्ली NCR के लोग सहम उठे। बिहार के कई जिले में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। बता दें कि भूकंप का मुख्य केंद्र नेपाल था। बिहार के सीमावर्ती जिलों में इसका तेज असर देखने को मिला। बिहार दिल्ली NCR के साथ ही UP में भी झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि नेपाल में सोमवार शाम 16:16 बजे भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 5.6 रिकॉर्ड की गई। वायु प्रदूषण न केवल लोगों की जान ले रहा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में हानिकारक गैसें और कण भर जाते हैं, जो सांस लेने पर सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये कण सामान्य लोगों के लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक है। प्रदूषण के कारण प्रीमैच्योर यानी समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध के बाद इसराइल की ओर से गाजा पट्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इसराइल ने भारत से तत्काल 1,00,000 श्रमिकों की मांग की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से 1,00,000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है ताकि 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की रिप्लेस किया जा सके। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हुए हमले के बाद से फिलिस्तीनियों का काम करने का परमिट रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोन मुदी और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के पुराने मामले को दोबारा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जज की जमकर तारीफ की है। साथ ही कहा है कि शुक्र है कि आपके जैसे जज भी हैं। शीर्ष न्यायालय ने जज की तरफ से दाखिल कारणों को सही माना और मंत्री की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से कई स्कीमों के लिए फंड न जारी किए जाने पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने भवानीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ममता ने कहा कि मेरे नाम पर कोई स्टेडियम या फिर रोड नहीं है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को 100 दिनों के काम के बाद भी पेमेंट नहीं मिल पा रही। हमें मनरेगा के लिए फंड नहीं मिल रहा। पीएम आवास और सड़क योजना के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से फंड अटका है। बिग बॉस विजेता अल्वेश यादव को नोटिस भेजकर जल्द ही नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। उससे पहले नोएडा पुलिस साक्ष्य का इकट्ठा करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों के मोबाइल से टेलीग्राम और नाइजीरिया चैट ऐप से ड्रग्स की डील की जानकारी मिली है जिस पर और जानकारी जुटाई जा रही है। नोएडा दिल्ली के फॉर्म हाउस में रेव पार्टी से कनेक्शन पर भी अल्वेश के खिलाफ कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन सब बातों को छानबीन के लिए पुलिस समेत 3 को 14 दिन के रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीबीआई की तरफ से वॉयस टेस्ट देने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाए जाने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वह घायल है और कुछ समय तक इलाज और जांच कराने के कारण दिल्ली तक की यात्रा करने में सक्षम नहीं है। हरीश रावत ने कहा है, आज अपने वकील के माध्यम से अपने निवेदन को सीबीआई तक पहुंचाऊंगा। यानी हरीश रावत सिस्टिंग केस में वॉयस सैंपल देने दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीमांत नेशनल पार्क गंगोत्री स्थित कंखू बैरियर के ऊपर पहाड़ियों में लगी आग लोगों में उत्सुकता का कारण बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रात भर पहाड़ी पर आग जलती रही। गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख रूट पर पहाड़ी पर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गंगोत्री धाम से ही धुआं साफ नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र इको सिस्टम जोन और समुद्र तल से 3,200 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी पर वनस्पति या पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जाना भी काफी दुर्लभ है। दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र ने सोमवार को भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं के आटे की बिक्री औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। भारत आटा सहकारी समितियों ने फेड एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2,000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। गुणवत्ता और स्थान के आधार पर सब्सिडी वाली दर मौजूदा बाजार दर 36 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम से कम है। आपके मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की हालिया कार्रवाई को लेकर रोष के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा, अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो भी वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए उन्हें जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने इसराइल हमास जंग को लेकर चर्चा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस से वेस्ट एशिया में मुश्किल हालात और इसराइल हमास संघर्ष को लेकर बात की। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को भूटान के साथ अनूठे मित्रतापूर्ण संबंधों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता से अवगत कराया। उन्होंने भूटान की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई। खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले के तराह इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी और 3 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा अंतरसेवा जनसंपर्क ने एक बयान में बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 सैनिक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान मारे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने हीरा लाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। बीते 3 अक्टूबर को यशवर्धन कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली था। सामरिया इस पद पर आसीन होने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिया को, जो 7 नवम्बर 2020 से सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की है कि देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाएं सोमवार से 20 नवंबर के बीच चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 2018 में योजना शुरू करने के बाद से यह चुनावी बॉन्ड बिक्री का 29वां बैच होगा। वित्त मंत्रालय की घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के 2 दिन बाद और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ हफ्ते पहले आई है।
मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो महिला सैनिकों, नाविकों और वायुसेना तीनों सेनाओं में महिला अधिकारियों के समान मातृत्व, शिशु देखभाल और बच्चे की गोद लेने के अवकाश का अधिकार देगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियां देना समान रूप से लागू होगा, चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक की। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के 4 प्रतिनिधियों और 12 छात्रावास अध्यक्षों को कुलपति के आवास से बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में जांच में शामिल होने के लिए नोटिस मिला है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में प्रॉक्टर एन जनार्दन राजू की तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। छात्रों को पूछताछ के लिए 7 नवम्बर को प्रॉक्टर के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में पूर्वी भारत के सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। इसका लोकार्पण 7 नवंबर यानी आज किया गया। रांची शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर बिरसा चिड़ियाघर परिसर में यह उद्यान एक्वेरियम के ठीक सामने 20 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है, जहां 88 से अधिक प्रजाति की रंग बिरंगी तितलियों का खूबसूरत संसार आबाद होगा। इनके भोजने के लिए होस्ट एवं नेक्टर प्लांट लगाए गए हैं। वहीं करीब 800 वर्ग फीट का कंजर्वेटिव बनाया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की आचार समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है। भाजपा सांसद और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने आरोपों की जांच के लिए 9 नवंबर को बैठक बुलाई है। बता दें कि इससे पहले यह बैठक आज आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी मंगलवार को बैठक कर मसौदा रिपोर्ट को अपनाने पर विचार कर सकती है। लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के चयन के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में चयन समिति का सदस्य होने के बावजूद मुझे सीआईसीआईसी के चयन के बारे में बैठक में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। 3 तारीख को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित की थी। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना से जुड़ी आर्थिक रिपोर्ट विधानमंडल में पेश कर दिया है। बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों की जमात में शामिल किया है उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म की 7 जातियां शामिल है। ऐसे में सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि सवर्णों में सबसे ज्यादा नौकरी कायस्थ जाति के लोगों के पास है। बिहार सरकार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों की श्रेणी में 7 जातियां शामिल है। इनमें हिंदू धर्म की 4 जातियां ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ के अलावा मुसलमान धर्म के शेख, सैयद और पठान शामिल है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाव हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद फहीम, नन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशद आलम, मोहम्मद शकीर हुसैन, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जाति गणना की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।